करें आगे कंटिन्यू करें। देखो भाई बता सकते हो कि अभी 2027 के अंदर सीमेंट के ऊपर अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस है, उसकी कांग्रेस का मतलब यहाँ पर मीटिंग से है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे सीमेंट के ऊपर एक कांग्रेस का आयोजन किया जाएगा, उसकी अभी बोली लगी है, वो बोली किसने जीती है? अडानी ने। कांग्रेस मतलब मीटिंग देश आयोजित करवाओगा, व्यक्ति आयोजित कौन करवाता? कांग्रेस का मतलब मीटिंग, समिट का मतलब भी मीटिंग हो है, समझा गया? अंतरराष्ट्रीय लेवल पे चाइना, यूके में भारत ने जीती है, बिड लगाई थी और वो बिड कौन जीत गया है? भारत जीत गया। लिखो, भारत ने 2027 में आयोजित, भारत ने 2027 में, 2027 में न्यू दिल्ली में केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट पर अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस की मेजबानी की बोली जीत ली है। आईसीसीसी इसकी बोली है, वो किसने जीती है? भारत ने जीत ली है। ये कब आयोजित, कब आयोजित होगा? 2027 में, कहां पर होगा? न्यू दिल्ली के अंदर आयोजित किया जाएगा भाई, ठीक है। अभी आपसे क्वेश्चन पूछा कौन से नंबर की मीटिंग होगी या 17वां नंबर की मीटिंग आयोजित होगी, अगर इंडिया के अंदर होगी जिसकी बात करने लग रहे हैं। 16वां नंबर की बैंकॉक थाईलैंड में हुई थी भी, 16वीं है वह बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित की गई थी, वहां ये बोली लगी थी और ये सारी की सारी बोली है वो कौन जीत गया है? भारत ने जीती है भी, ठीक है। आपसे प्रीवियस एचएसएससी का पेपर में आया था कि सीमेंट किस चीज की बड़ी ओ है, जिप्सम का तो अलग क्वेश्चन था, कैटलिस्ट था जिप्सम तो, हाँ भी सीमेंट की बात करोगे ना, सीमेंट बनी होती है एक तो लाइम, चुना सुना होगा ना, और ये बेसिकली बनती है कैल्शियम सिलिकेट, ये वाला पेपर मारा था, कैल्शियम सिलिकेट की बनी होती है सीमेंट, ठीक है ना, किस चीज की बनी हुआ है? कैल्शियम सिलिकेट की बनी रहे। दो प्रकार की सीमेंट पाओगी अपने, कौन कौन सी पाओगी? सीमेंट की टाइप की बात करोगे ना, सीमेंट दो प्रकार की सीमेंट होती है, एक तो होती है हाइड्रोलिक और एक होती है नॉन हाइड्रोलिक। हाइड्रोमीन्स का, हाइड्रोमीन्स क्या होता भी? वाटर, ठीक है ना। हाइड्रोमीन्स कौन सा होता है? वाटर। इसने पोर्टलैंड सीमेंट बोला जो आप आम यूज करा, हाइड्रोलिक की बात करेंगे इसने, पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है ना, हाइड्रोलिक और नॉन हाइड्रोलिक। हाइड्रोलिक की बात करें ना, यहां पर रिएक्शन होती है, पानी के साथ में रिएक्शन होगी, बड़े बड़े पत्थर हो है वो सीमेंट मिला दो और वो सीमेंट है, मिलने के बाद में पानी की प्रेजेंस के अंदर पानी होगा तो वो एक एडेसिव, एक मतलब गम के रूप में यूज करेंगे, जो अपने घर में यूज करा हुआ एडेसिव है, मतलब एडेसिव मतलब कोई चिपकाने के लिए यूज हो, गोंद वगैरह उसके रूप में काम करती है। और नॉन हाइड्रोलिक होती है ना, वो पानी में कौन चिपे? वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से ही चिपकेगी, याद रखियो, ठीक है ना। नॉन हाइड्रोलिक वो कब सेट होगी? जब वहां पर क्या हो जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो जाएगी, तभी चिपकेगी, वरना वो चिपकेगी कौन?
दो प्रकार की होती है भाई। अच्छा अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि सीमेंट में नंबर वन कौन सा भाई, कौन सा देश नंबर वन है सीमेंट के अंदर? चाइना। सेकंड पे कौन है भाई? इंडिया। और थर्ड पे कौन है? वियतनाम। सीमेंट के अंदर आप देखोगे सीमेंट में नंबर वन पे कौन सा आता है? चाइना आता है। सेकंड पे कौन आता है? इंडिया आता है। और तीसरे पे कौन सा है? वियतनाम आता है। पेपर में पूछा गया था कि एक कैटालिस्ट यूज करते हैं, कैटालिस्ट को क्या होता है? कैटालिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो उसकी प्रॉपर्टी चेंज को नहीं करता लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन ने कह तो कम कर दे कह ज्यादा कर दे। इब कैटालिस्ट इब था रनू समझो को नहीं आओ, कोई आप ऐसी चीज खा लिया तो उसने पचाण खातर भी तो चीज आज मोला को नहीं, एक प्रकार से कैटालिस्ट है कि नहीं? तो इस तरह यह है कैटालिस्ट। यह कैटालिस्ट यूज किया जाता है, कौन सा कैटालिस्ट यूज किया जाता कोई बता सके है? पेपर में बहुत रैंडमली क्वेश्चन पूछा जा है। सीमेंट के अंदर सीमेंट प्रिपरेशन होता है उसके अंदर कैटालिस्ट यूज करते हैं, उस कैटालिस्ट का नाम क्या है? हाँ कैटालिस्ट की बात करोगे ना, कैटालिस्ट होता है जिप्सम, CuSO4 जिप्सम यूज किया जाता भाई, ठीक है ना? ये जिप्सम यूज करोगे, इसका काम है कि जो सेटिंग डाउन होता है ना ठंडी होना, उसने एकदम पठंडी को नहीं होने देगा। सीमेंट अगर एकदम पठंडी होगी तो पट्ठा बन जाएगी वजमा। इसका कैटलिस्ट का काम होता है रेट ऑफ रिएक्शन को तेज कर, मतलब स्लो कर देगा। रेट ऑफ रिएक्शन अगर स्लो होगी तो सीमेंट जितनी स्लो ठंडी होगी उतनी बेस्ट क्वालिटी की सीमेंट बनेगी, याद रखिए भाई। जिप्सम यूज करते भी इसका सेटिंग टाइम होता है सीमेंट का, वो क्या कर देगा? इंक्रीज कर देता भी। और जिप्सम को, जिप्सम एक POP भी तो है, ठीक है? जिप्सम की बात करेंगे तो जिप्सम का अगर तो 2H2O लगा देंगे, और अगर मैं POP की बात करूंगा तो POP क्या होगा? CuSO4.H2O, ठीक है ना? आधो को नहीं हो, आधा हाफ बोल लिखे भी। अगला लिखे, भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव इसी को प्रकाश उत्सव के नाम से जानते हैं, कोई बता सकता है भाई कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में नहीं, गोवा में आयोजित किया गया है। गोवा के अगुआड़ा किले के अंदर आयोजित किया गया भाई। 3 दिन तक चलेगा ये प्रकाश महोत्सव है, 3 दिन तक चलेगा। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य कुछ को नहीं, इसका उद्देश्य है कि जो भी ऐतिहासिक स्थल है समझ में आगे, उसको अपने पर्यटन के लिए आकर्षण का केंद्र बनाना है, इसका मेन उद्देश्य ये है। मोदी सरकार ने टारगेट ले रखा है ना कि जो टूरिज्म को बढ़ाने के लिए कुछ अपने, जिस तरह आप ताजमहल है टूरिज्म के लिए है, तो इसने आप और मॉडिफाइड कर सका थोड़ा बहुत, जिस तरह अपना गुजरी महल का रखा है, गुजरी महल दोबारा रिनोवेशन हुआ है, इस तरह इसका मेन है जो ऐतिहासिक स्थल है उसका थोड़ा सा वो करना है, ठीक है? अब क्वेश्चन आता गोवा, गोवा की बात करें, सबसे छोटा राज्य है, ठीक है भाई। गोवा की बात करोगे तो गोवा है पूर्व का मोती के नाम से जानते हैं, ठीक है ना? गोवा को हम किसके नाम से जानते हैं? पूर्व का मोती के नाम से जानते हैं। और दो है, 30 मई 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना कब हुई थी? 30 मई 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। और गवर्नर की बात करोगे तो गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई, ठीक है? और मुख्यमंत्री कौन है इसके? प्रमोद
सावंत इसके मुख्यमंत्री है भाई, प्रमोद सावंत इसके मुख्यमंत्री है। पी एस श्रीधरन पिल्लई है इसके गवर्नर है और प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री है। मनोहर पारिकर सुना हुआ ना, मनोहर पारिकर यहीं से आते थे, बहुत अच्छे एमटेक पढ़े लिखे थे मनोहर पारिकर, डिफेंस मंत्री थे, हालांकि अभी तो एक्सपायर हो चुके हैं सबको पता है। अच्छा गोवा में लैंग्वेज कौन सी बोली जा है? हमारे संविधान में कितनी भाषाएं है भाई? 22 है, 22 में से एक और इसकी थी भी, कौन सी है वह? इसलिए कोंकण आपसे क्वेश्चन पूछे कहीं पर भी तो कोंकण आंख बीच के आप किस साइड में कर देंगे? गोवा के अंदर करेंगे। कोंकणी भाषा यहां पर है भी। और याद रखियो 19 दिसंबर 1961, हाँ 19 दिसंबर 1961 को हम गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं। गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाते क्यों मनाते हैं? पुर्तगालियों को खदेड़ने के लिए हमने ऑपरेशन विजय चलाया था यहां पर। कौन सा ऑपरेशन चला था भाई? ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय के तहत हमने पुर्तगालियों से मुक्ति मिली थी भाई, आजादी मिली थी। वैसे 1498 के अंदर पुर्तगाली सबसे पहली बार आए थे और गए कब थे? 1961 में। आए कब थे ये पुर्तगाली? सबसे पहले सबसे बाद में यही थे, 1498 में आए थे और 1961 में गए थे। एंटोनियो कोस्टा पुर्तगाल का राष्ट्रपति था, वो आया था गोवा के अंदर, बोला मेरे नाना की जगह थी, उड़े नाना रहे उड़े उड़े। एंटोनियो कोस्टा आए थे अपने यहाँ पर, मिलके भी गए थे एंटोनियो कोस्टा, ठीक है ना। पुर्तगाली ही थे जो सबसे पहले भारत में आए, सबसे बाद में गए, पुर्तगालियों का आता भी। कुछ और चीजें सुनो, महाराष्ट्र के साथ में गोवा बाउंड्री शेयर करे है को नहीं करता ना, तो महाराष्ट्र और गोवा है उसको अलग कौन सी नदी करती है? ब्रह्मपुत्र, मांडवी। मांडवी जुहारी ये नदी तो प्रमुख नदी आवा है भी, ठीक है। तेरेखोल नदी हवा, कौन सी नदी है? तेरेखोल नदी। तेरेखोल नदी ये डिवाइड करती है गोवा और महाराष्ट्र को, इनको अलग कर देगी भी, तेरेखोल नदी है। वैसे प्रमुख नदियों की बात करोगे, प्रमुख नदी कौन कौन सी आओगी? जुहारी नदी है, मांडवी नदी है, प्रमुख नदियों में बहुत फेमस है भाई। नेशनल पार्क, कोई गोवा के नेशनल पार्क बता सकता भाई कौन कौन से है? गोवा नेशनल पार्क कौन है भाई? एक तो यहाँ पर सलीम अली वन्य जीव अभ्यारण मिलेगा आपने, सलीम अली वन्य जीव अभ्यारण यही मिलेगा आपको। एक है महादेई वन्य जीव अभ्यारण, महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव का मतलब। नेत्रावली, नेत्रावली वन्य जीव अभ्यारण भी यही पर है। नेत्रावली वन्य जीव अभ्यारण भी यही पर है भाई। भगवान महावीर, भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण भी यही पर मिलेगा आपको। हाँ महावीर, महावीर। और जल्दी से बताओ गोवा के अंदर एक पोर्ट है, बंदरगाह का नाम बताओ गोवा का। बारह तेरह जो भी थे मैंने सारे 13 के 13 पोर्ट लिखवा दिए थे थारत है। मारमा गोवा, यहाँ का जो बंदरगाह है उसका नाम क्या है? मारमा गोवा नाम है, ठीक है। मारमागुआ बंदरगाह है यहाँ का, बहुत फेमस है। मारमागुआ के बारे में बात करूंगा तो चलो आगे लिखते हैं। आगे है कि झारखंड वासियों द्वारा, झारखंड वासियों द्वारा कर्मा पूजा महोत्सव मनाया गया भाई, ठीक है। कर्मा पूजा मनाया गया झारखंड वासियों द्वारा, करम पूजा
कर्मा पूजा कर्म पूजा, झारखंड द्वारा बनाया जाता है। वहां का ये ट्रेडिशनल डांस है, जिस तरह आपने बसंत बसंत को नहीं बना वहां पर, वैसे ही है। फसल हो गया, प्रकृति की पूजा होगी, भाई बहन के बीच में संबंध हो गया, ये उससे संबंधित है। यहां पर एक कर्म पेड़ होता है, कर्म पेड़ को श्रद्धांजलि देते हैं। कर्म का पेड़ है, उसको श्रद्धांजलि दी जाए। क्या होता है कि दूध चावल, इन दोनों की दूध और चावल से एक बियर बनाई जाएगी, कर्म का पेड़ सजाया जाएगा और फिर उसकी शाखा है तोड़ तोड़ के घर पर ले जाई जाएगी। ये उनका मतलब त्योहार है बनाने का भी, ठीक है ना। कर्म हाँ बिल्कुल, कर्मा मुंडा वही तो है ये। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, झारखंड, झारखंड को लैंड ऑफ फॉरेस्ट के नाम से जानते हम, लैंड ऑफ फॉरेस्ट झारखंड को भी। झारखंड कब बना था? 15 नवंबर 2000 को बना था, 15 नवंबर 2000 को झारखंड बनके तैयार हो गया था। झारखंड की राजधानी क्या है अभी? रांची। और गवर्नर, झारखंड का गवर्नर कौन है बता सकता कोई? झारखंड का गवर्नर बताओ भी जल्दी से, है सीपी राधा कृष्ण, अभी बदली हुए है सीपी राधा कृष्ण, ठीक है ना, सीपी राधा कृष्णन। और सीएम कौन है? हेमंत सोरेन, ये उसके मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन। यहां टाटा नगर सुना होगा आपने, जमशेदपुर का नया नाम क्या है? टाटा नगर। जमशेदपुर सुना होगा ना, इंडिया की पहली प्लांड सिटी है भाई, प्लानिंग से बनाई गई थी, प्लांट सिटी है। और क्या बताया था यहां पर? इस्पात कारखाना है, स्टील का, ठीक है ना। कौन सा है? बोकारो या बिलाई, ठीक है। किसकी मदद से बनाया गया था? रूस, यूएसएसआर, है ना, ठीक है भाई। जमशेद जी टाटा थे, उन्होंने जमशेदपुर की नींव रखी थी, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो यहां पर, ठीक है। और सुनो भाई, छोटा नागपुर प्लेटू सुना है तुमने? कौन नहीं सुना छोटा नागपुर प्लेटू? पठार कौन सुना आपने? छोटा नागपुर का पठार जो सुना है, पठार ने प्लेटू बोल दिया। हाँ, प्लेटू क्या होता है भाई? प्लेटू होता है टेबल लाइक स्ट्रक्चर, जमीन ऊपर उठी है चौरसी, फिर नीचे उल्टी आ गई, इस तरह हो, टेबल हो ना इस तरह, उसने बोला पठार। हमारे यहाँ पर पठार है, याद होता था हमने, इसको छोटा नागपुर प्लेटू बोलते। पांच स्टेट के अंदर है छोटा नागपुर प्लेटू की बात करोगे तो, झारखंड में है, उड़ीसा में है, पश्चिम बंगाल में है, बिहार में है, छत्तीसगढ़ के अंदर है। करीब करीब 65,000 किलोमीटर एरिया कवर करे छोटा नागपुर प्लेटू की बात करेंगे, और 4430 फीट एलिवेशन है इसका। छोटा नागपुर प्लेटू की बात करा, पैंसठ हजार किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर इतना एरिया कवर करने लग रहे हैं, और पांच स्टेट में है, जिस तरह उड़ीसा के अंदर है, बिहार में है, पश्चिम बंगाल में है, छत्तीसगढ़ के अंदर है, और झारखंड के बीच में है, ठीक है ना। महानदी वाला एरिया है, यहां कौन सी नदी मिलेगी अपने छोटा नागपुर प्लेट में? महानदी। महानदी बेसिकली उड़ीसा के अंदर मिलेगी, और माही से याद रखना महानदी, और कौन सा बांधा होगा? हीराकुंड। माही से याद रखना महानदी, महानदी के ऊपर है हीराकुंड बांध।
सबसे लंबा नदी बांध है, ईट से बन रहा है यो। हाँ, लंबा की बात करी मैंने, उच्च की बात मन करी है, ठीक है ना, सबसे लंबा की बात करी है। और अपने एक चीज पढ़ी होगी आप लोगों ने, कर्क रेखा और मकर रेखा। इंडिया में से कर्क रेखा कहां से जाती है? कर्क जा है कि मकर रेखा जा है इंडिया में? पहले नो तो बता दे, कौन सी रेखा जा है? कर्क रेखा। अच्छा, कौन कौन से उससे जा है, कितने स्टेट से जा है? आठ। कौन कौन से है लिखो, देखो छज्जे पे या पर कर दे, छज्जे पर कर ले, ले बजरंग के हिसाब से आप उस पर करेंगे, गरम मित्र छज्जे पर। हाँ, सब लिखेंगे, गरम से गैसे गुजरात, रह से राजस्थान, मैं से मध्य प्रदेश, मी से मिजोरम, त्रय से त्रिपुरा, छह से क्या हो गया भाई, छत्तीसगढ़, पर से हो गया पश्चिम बंगाल, कोई और चीज और क्वेश्चन है तो वो बता दो भाई। हालांकि वैसे तो सर फाइव ईयर प्लान के बारे में बताने लग रहे हैं आपको, फाइव ईयर प्लान के अंदर वो बताते होंगे कि भाई भिलाई किसने बढ़ाया था, किसके सहयोग से बढ़ा था, और बोकारो किसके बना था, पहला स्टील प्लांट कौन सा था इंडिया के अंदर स्थापित किया था, किसकी मदद से किया था, कौन से साल में किया गया था, उसमें इस चीज़ का जिक्र करते होंगे। कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, कितने का हुआ था स्टार्टिंग में? 14 बैंकों, और किसके टाइम पे हुआ था? इंदिरा गांधी के। तो बताया था ना आपने, अपने HSCC का पेपर है उसमें भी आ रहा था ये क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन पुट करके आ रहा था अपना, ठीक है। हाँ, दोबारा फिर इंदिरा गांधी के टाइम पे फिर से, फाइव ईयर प्लान कौन आ रहा भाई? बिल्कुल बस खत्म, नीति आयोग ने जगह ले रखी ना। हाँ, नीति आयोग आया है अपना उठाए, और नीति आयोग का काम करने लग रहे हैं स्टार्ट वहां से, ठीक है।